परिस्थितियां मानव को सही मायने में मानव बनाती हैं। जब हमारे जीवन में परिस्थितियां बदलती हैं तो हमें भी उन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को जीना सीख लेना चाहिए। और जब कम से कम अच्छे समय में तो सब हमारे अपने होते हैं, लेकिन जब वक्त बुरा हो तो उस बुरे वक्त में अपने साथ में ना हो तो फिर और भी बुरा वक्त हो जाता है। मुझे मालूम है कि कोरोना पूरे विश्व में इतना भयावह हो गया है कि आज अपनों से भी मिलने के लिए अपने जा नहीं पा रहे हैं। परंतु इस कोरोना ने हमें सिखाया है कि अपनों की अहमियत क्या है। हम चाहे कई लोग लॉकडाउन के अंदर अपनों से दूर रह गए, मेरी अगर बात करें तो मेरी बेटी भी इस समय, छोटी बेटी ननिहाल में है और पिछले 2-2.5 महीने से मैं उससे मिल नहीं सका हूँ। तो इस कठिन परिस्थिति में मुझे पता चल रहा है कि अपने, हालांकि मैं लॉकडाउन का पालन भी कर रहा हूँ और उस लॉकडाउन के चलते हुए वो वहाँ सुरक्षित रहे, मैं यहाँ सुरक्षित रहूँ, ये महत्वपूर्ण है। परंतु बुरे वक्त में जो अपनापन है, जो अपनत्व है, वो पता चलता है कि अपनों की जीवन में वैल्यू क्या है, अहमियत क्या है, उनकी कीमत क्या है। क्योंकि ऐसे कहते हैं ना, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। ये जो परिवार है ना, सामूहिक फैमिली, सामूहिक परिवार, ये बनता ही है अपनों से, जिनको मैं अपना कहता हूँ, जो मुझे अपने लगते हैं। अपनों के साथ बैठकर बड़े से बड़ा दुख भी आसानी से टाला जा सकता है। और जब अपने न हो तो कितने भी तुम सुख में हो, कितने भी तुम मौज में हो, अगर अपनों के साथ थाली में भोजन शेयर न कर सकें, खुशियां शेयर न कर सकें, उनके साथ हंस न सकें, बोल न सकें, तो वो जिंदगी जिंदगी नहीं होती है। मैंने माना कि कोरोना ने हम सबको घर में बिठाल दिया है, लेकिन याद करो इससे पहले हम लोग क्या कहा करते थे। हमारी पत्नी कहा करती थी, आप पे तो हमारे लिए टाइम नहीं। बच्चे क्या कहा करते थे, बच्चे कहते थे पापा हमारे साथ बैठते ही नहीं। दादी दादा पे भी टाइम नहीं होता था, क्योंकि दादाजी को भी काम पे जाना होता था। कई बार तो मम्मी पापा को भी काम पे, विदेशों में तो सभी काम करते हैं। तो जहां किसी पे भी किसी के लिए टाइम नहीं था, आज उस कठिन परिस्थिति में कम से कम कोरोना ने हमें ये सिखाया है कि तुम्हें अपनों को टाइम देना पड़ेगा, तुम्हें अपनों को समय देना पड़ेगा, तुम चाहो या मत चाहो तुम्हें अपनों का साथ देना पड़ेगा। तो आज जब हमें अपनों का साथ मिला है तो मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा कि अपनों के साथ की अहमियत को समझिए, अपनों की वैल्यू क्या है इस वैल्यू को समझिए। वो जो समय है जो हमेशा हम लोग इधर उधर मोबाइल में शेयर किया करते थे, वो समय आप अपनों के साथ में शेयर कीजिए। वक्त बदलते देर नहीं लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं। वक्त बदला है, वक्त बदलते हुए जीवन जीने की शैली भी बदलनी ही पड़ेगी। लेकिन याद रखना मेरे भाई बहन, अपनों को छोड़कर अगर जीना है तो वो जीना कोई जीना नहीं है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ गृहस्थ की, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ संसार की, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सामूहिक फैमिली की। तो आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है, आप अपने माता पिता को समय दें, आप अपने बच्चों को समय दें। ज़्यादा समय मोबाइल पर न बितावें, ज़्यादा समय टीवी पे न बितावें, ज़्यादा समय अपनों के साथ बैठें, अपनों के साथ भोजन करें, अपनों के साथ खेलें और अपनों के साथ वार्तालाप करें। और संभव हो सके तो इस संकट काल में आधे घंटे पौने घंटे बैठकर अपने घर के ही मंदिर में सब लोग बैठकर कीर्तन करें, भगवान का नाम स्मरण करें और भगवान से प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर हम सुरक्षित हों, हमारे सुरक्षित हों, हमारे देशवासी सुरक्षित हों, पूरे विश्व में मानवता सुरक्षित हो, ऐसी प्रार्थना करते रहें। अपने तो अपने ही होते हैं। राधे राधे।